तो और भाइयों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे सब। पबजी खेलते रहो, बंदे पेलते रहो। तो भाइयों जैसा हम लोग जानते हैं 10 मिलियन लोग डेली पबजी मोबाइल खेलते हैं, और भाई कुछ लोग होते हैं जो जानबूझकर ये काम करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो अनजाने में ये काम कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका अकाउंट बैन हो जाता है और हमें पता भी नहीं होता यार कि किस वजह से हमारा अकाउंट बैन हो गया। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सी वो वजह हैं जिनसे आपका अकाउंट बैन हो जाता है। तो शुरू करते हैं। तो भाइयों वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज़ से इसको सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को और एक कमेंट ज़रूर कर देना मेरे भाई। यार सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो यार फैला दो इस वीडियो को। भाई सबसे पहली जो चीज़ है जो आपके अकाउंट को बैन करवा सकती है वो है किलिंग योर ओन टीममेट्स। भाई ये इतनी पॉपुलर है कि एक ना एक बार आप लोगों ने ज़रूर इसको किया होगा। भाई जिसने नहीं किया वो बहुत अच्छा बंदा है। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैं टीममेट को जब किल करता हूं, जब मेरा टीममेट एएफके हो जाता है, गेम से बाहर हो जाता है या किसी कारणवश वो गेम को कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो उसके पास जो चीज़ें हैं वो मेरे काम आ जाए इसलिए उसको मारना पड़ जाता है। लेकिन भाई अपने टीममेट को मारना एक गलत बात है और पबजी इसको नोटिस करता है। हम लोग सोचते हैं ना कौन देख रहा है यार, रिपोर्ट नहीं होगी तो कौन किसको पता चल रहा है कि हम लोग अपने टीममेट को मार रहे हैं। भाई पबजी मोबाइल के सर्वर इस पे नज़र रखते हैं, और अगर आप 10 से 15 बार अपने टीममेट को मार देते हो तो भाई आपका अकाउंट बैन हो सकता है। तो भाई समझ जाओ, जो लोग अपने टीममेट को मारते थे मजाक में या फिर जानबूझ के, तो भाई ऐसा करना बंद कर दो वरना आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। वो परमानेंटली होगा या फिर टेम्पररीली, वो पबजी मोबाइल नहीं बताता है, लेकिन अगर आप ऐसा करते रहोगे तो यार परमानेंटली भी हो सकता है। भाई नंबर दो पे जो चीज़ है जो हमारे अकाउंट को बैन करवा सकती है वो है यूजिंग ग्लिचेस फॉर योर एडवांटेज। यार जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि पबजी मोबाइल में आए दिन कोई ना कोई ग्लिच सामने आता रहता है। भाई पबजी मोबाइल में ग्लिचेस हैं और ये सब लोग जानते हैं, किसी को उनके बारे में पता नहीं होता है, किसी को पता होता है। भाई जिनको पता होता है वो अपने एडवांटेज के लिए उन्हें यूज़ करते हैं। तो भाई ऐसा करना बंद कर दो, क्योंकि पबजी मोबाइल आपका अकाउंट ऐसा करने पे बैन भी कर सकता है। मान लो सामने वाले ने आपकी रिपोर्ट कर दी कि ये बंदा हैक कर रहा है या कुछ किसी भी तरह का ग्लिच यूज़ कर रहा है, तो ये रिपोर्ट अगर ज़्यादा हो गई ना तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है। तो ग्लिचेस का इस्तेमाल मत किया करो, सेफ खेलो, साफ खेलो। और नंबर तीन पे आता है भाई हमारा सबका प्यारा एम बॉट। कुछ लोगों को इसके बारे में पता होगा, कुछ लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। जो लोग नहीं जानते मैं बता देता हूँ, एम बॉटिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका जो गन का रिकॉयल होता है ना, जैसे देखिए आप मेरी गन में रिकॉयल हो रहा है, तो ये रिकॉयल बिल्कुल नहीं होता है। अभी वो सॉफ्टवेयर होता है एक कोई एम बॉटिंग का, उसको इस्तेमाल करके आपका गन का रिकॉयल एकदम कम हो जाता है। यानी कि आप 800 मीटर या फिर 600 मीटर कितनी भी दूरी से आप लोग फायरिंग कर लो, आपकी गन में रिकॉयल ही नहीं होगा। तो भाई एम बॉटिंग यूज़ करना इलीगल है पबजी मोबाइल में, और भाई इसके चलते आप अपना अकाउंट बैन करवा सकते हो। तो भाई अगर कोई एम बॉटिंग यूज़ कर रहा हो तो भाई प्लीज़ रुक जाओ, मत करो वरना आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। और भाई बैन कब तक का लगेगा ये भी नहीं पता होता। कभी कभी क्या होता है 15 साल 20 साल इतना लंबा बैन लग जाता है। तो भाई साफ खेलो, सेफ खेलो, जैसा मैंने अभी बोला है, बंदे पे लो। और नंबर चार बात है प्लेइंग विद हैकर, यानी हैकर के साथ खेलना। अब भाई कुछ लोग होते हैं जो अपने रैंक बढ़वाने के लिए, टायर्स वगैरह इंक्रीज़ कराने के लिए, एकदम से क्राउन पे पहुंच जाए भाई हम लोग कुछ ऐसा सोचते हैं, वो क्या करते हैं हैकर्स के साथ खेलने लगते हैं। या फिर आप लोग कोई रैंडम मैच खेल रहे हो और आप लोगों को पता चल जाता है कि हमारी जो टीम में एक रैंडम प्लेयर है वो हैक कर रहा है, किसी भी तरह का हैक कर रहा है, हैक कई तरह के होते हैं, कोई भी हैक कर रहा है और आपको पता है, और आप फिर भी उस गेम को छोड़ के उसकी रिपोर्ट नहीं करते हो, और ऐसा आप लोग कंटिन्यूसली करने लग जाते हो, तो भाई आपका अकाउंट बैन हो सकता है। यानी कि लिटरली आप भी एक हैकर माने जाओगे कि आप अपने रैंक इंक्रीज़ करने के लिए हैकिंग का इस्तेमाल कर रहे हो। तो भाई ऐसा अगर किसी के साथ होता है, यानी कोई रैंडम प्लेयर आपको मिलता है या फिर कोई आपका दोस्त है जो हैकिंग करता है, तो भाई उसके साथ मत खेलो वरना आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। और भैया लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा यूजिंग VPN। भाई आप सोच रहे होगे ये VPN क्या है, तो VPN की जो फुल फॉर्म होती है वो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यानी आप
इंडिया में होते हुए भी इंडिया के सर्वर से गायब हो जाओगे अगर आप वीपीएन यूज़ करते हो तो। आपको सर्वर एज एन फॉरनर डिटेक्ट करेगा या फिर कहीं किसी भी कंट्री के आप सर्वर पे शो हो सकते हो। तो भाई वीपीएन का यूज़ करके अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं पबजी मोबाइल में। भाई वीपीएन का यूज़ करके आप पबजी मोबाइल में स्किन्स वगैरह ले सकते हो या फिर एलाइट पास रॉयल पास आप ले सकते हो। वो कैसे, अब मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा डॉलर का रेट है वो है 72 या फिर 74 जो भी करंटली चल रहा है। बट अगर आप वीपीएन का यूज़ करते हो और आप ये कैनेडा हो गया दुबई हो गया या फिर यहाँ की आप नेशनैलिटी मतलब आपका जो सर्वर आपको डिटेक्ट करेगा तो वहाँ पे डॉलर का रेट कम होगा और आप उसका फ़ायदा उठाते हुए कम रेट में इलाइट पास ले लोगे या फिर कोई स्किन ले लोगे, कुछ भी चीज़ आप परचेस कर लोगे पबजी से तो उससे फ़ायदा हो जाता है। तो ये करना भी इलीगल है और ये करते हुए अगर आपको पबजी मोबाइल डिटेक्ट कर लेता है तो भाई आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। अकाउंट ही बैन नहीं होगा, आपका मोबाइल का आईपी एड्रेस ही बैन हो जाएगा, यानी अपने आप मोबाइल पे पबजी मोबाइल खेल ही नहीं पाओगे। और जहाँ तक मुझे लगता है भाई 15 साल तक का इसमें बैन लग जाता है वीपीएन यूज़ करने से पबजी मोबाइल में। तो भाई ऐसा मत करो। और ये जो वीडियो है ये अभी और भी काफ़ी बड़े टॉपिक हैं यार इस पे हैकिंग के ऊपर, तो अभी वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए मैंने 5 टॉपिक्स बताए हैं और अभी भी काफ़ी टॉपिक्स रह गए हैं तो मैं उनको किसी दूसरी वीडियो में कवर कर लूँगा। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है और भाई किसी को अगर बुरा लगा हो तो भाई दिल से सॉरी, मेरा किसी को हर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं है, मैं बस इंफॉर्मेशनल के लिए आपको ये टॉपिक्स बताए हैं। किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी भाई। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार शेयर कर दो, नया नया चैनल है, सपोर्ट की ज़रूरत है भाई। आप लोग सपोर्ट करोगे भाई तो एक दिन स्ट्रीम भी करेंगे, ठीक है भाई। तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और अपने सभी दोस्तों में इसको फैला दो यार, बता दो अगर कोई लोग ऐसा कर रहा हो या फिर गलती से उससे ये काम हो रहे हो तो भाई वो समझ जाए, ठीक है भाई। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू।